मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इस टेस्ट ट्यूब में मैं ड्रिंकिंग वाटर थोड़ा सा लेता हूँ, एंड इस ड्रिंकिंग वाटर में मैं कुछ बूंदे ये पीएच टेस्टिंग सॉल्यूशन देता हूँ। एक्चुअली हम लोगों के बॉडी में जो पानी की जरूरत है वो 7 पीएच यानी कि न्यूट्रल वाटर की जरूरत है। अगर उसको हम लोग कैलकुलेशन में देखने की कोशिश करें या फिर यहाँ के कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच करें, तो 7 पीएच का मतलब होता है ग्रीन, डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन में अगर आपका ये पानी आता है तो ये पीने योग्य है और आपके शरीर के लिए सही है। अगर ये लाइट ग्रीन से कन्वर्ट होते होते येलोइश ऑरेंज, ऑरेंजिस येलोइश ऑरेंज या फिर डार्क ऑरेंज रेड कलर में हो जाता है, तो आप उसको समझिएगा कि ये पीने योग्य पानी नहीं है, हाईली एसिडिक है। तो इसका कलर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन और सॉरी ये येलो और ग्रीन के बीच का है, सॉरी येलो और ऑरेंज के बीच का कलर है, इसको लाइट ऑरेंज भी आप कह सकते हैं। ये एसिडिक वाटर है जो हम लोग पी रहे हैं। बहुत गलत करते हैं हम लोग, शरीर को एक अलग दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। और यही हाँ 5 से 6 के बीच में होगा, एकदम सही बोले, 5 से 6 के बीच का ही होगा पीएच इसका। अब इसी में मैं हीलिंग स्प्रे इसका यूज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले बढ़िया से सेक करने का, क्योंकि इसमें क्लोराइड होता है, ये लेयर्स पे जम सकता है, ठीक है। इसमें पहले इसको बढ़िया से सेक करने का है, इसके बाद इसका सिर्फ एक स्प्रे पूरे पानी के कैरेक्टर को बदल देगा। ये पहले आपको एसिडिक वाटर में था, अब ये आपको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे अगर इसको मैं डिजिटल मीटर में चेक करूं तो ये 9+ पीएच दिखाएगा, बट हम लोग इसमें गारंटी लेंगे 8 पीएच प्लस रहेगा, ठीक है। इसमें हर बार कई एक बार होता है, कई जगह का पानी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर 8+ पीएच रखेंगे तो ये सेफ पोर्शन में काउंट होगा, क्लियर है। तो ये 8+ पीएच में है जो कि गारंटी है, 9+ जाएगा, इजीली 9+ जाएगा, लेकिन हम लोग 8+ में ही कैलकुलेशन रखेंगे, ठीक है, कि 8+ पीएच तक ये देगा। यानी कि जो भी मेरा पीने का पानी है उस पीने के पानी को ये और बेटर कर सकता है।